तो भैया शार्लेट फ्लेयर को अपने रिंग गियर में करने होंगे कुछ चेंजेस, बिकॉज एक बार फिर से उनके रिंग गियर ने उनको एक बार फिर से प्रॉब्लम में डाल दिया है। रोंडा रोजी के साथ मैच के दौरान आपने देखा होगा कि स्क्रीन हो जाती है ब्लैक, और जिस वक्त वो स्क्रीन ब्लैक होती है वो इसीलिए होती है बिकॉज उनके रिंग गियर में एक बार फिर से प्रॉब्लम आती है, जहां पर उनके जो ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से आपको पता है भाई खराब हो जाता है मैटर। तो उसके बारे में बात करेंगे कैसा वो मोमेंट था और एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ था। इसके अलावा कोडी रोड्स ने अपनी रिटर्न के बारे में काफी चीजें बताई है कि कैसे वो रिटर्न उन्होंने क्यों करी है, जो भी है सब इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा नाइट टू का एक मैच WWE ने ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है किसी कारण, जो कि आगे बताने वाला हूँ। देन नाइट वन के अंदर और भी कुछ चीजें थी या और भी फॉल आउट थे, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर बताने वाला हूँ। इसके अलावा नाइट वन के रिव्यू वीडियो भी ये है, तो नाइट वन के सारे मैचेस या जो भी जो हाईलाइट मेन चीजें थी वो मैं करने वाला हूँ रिव्यू आगे, यानी कि वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है वहां पर मैं न्यूज कवर करने वाला हूँ, सेकंड पार्ट जो होगा वहां पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ नाइट वन का। तो दोनों ही मैंने एक वीडियो के अंदर डाल दिया है, सो इसलिए आप ये वीडियो पूरी देख लेना एंड तक। अगर न्यूज वाला पार्ट देखना है वो भी देख सकते हो, अगर आपको रिव्यू देखना है तो वो भी देख सकते हो सिर्फ, या अगर पूरी वीडियो देखनी है तो फिर तुम मेरे पक्के भाई हो। तो भाई बड़ी फैमिली का पार्ट बनने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहां पर जाकर आप स्टनर लगा सकते हो। तो स्टार्ट हम वीडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, सो फिर हे बड़ी वेलकम टू आवर चैनल नाम पैक विद अ न्यू वीडियो। स्ट्रेट अवे चलते हैं सबसे पहली अपडेट के ऊपर। जो पहली अपडेट आ रही है गाइस वो आ रही है रेसलमेनिया 38 नाइट 2 को लेकर, जहां पर WWE ने एक मैच को कर दिया है कैंसिल या फिर पोस्टपोन आप इसको कह सकते हो। और ये मैच था गाइस कोफी किंगस्टन और किंग जेवियर का, जो कि होने वाला था उनका एक टैग टीम मैच अगेंस्ट सीमस एंड रिज हॉलैंड। ये मैच आपको बताया नाइट 2 के अंदर होना था, पर अब ये नहीं होगा बिकॉज गाइस WWE ने इस मैच को कैंसिल कर दिया, और उसके पीछे रीजन है गाइस टाइम की शॉर्टेज, क्योंकि टाइम की वहां पर कमी पड़ रही थी जिसकी वजह से WWE ने इस मैच को कर दिया है कैंसिल, और अब आपको ये नाइट 2 में देखने को नहीं मिलेगा। मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा भाई बिल्कुल सही हुआ, बिकॉज वैसे भी ये फालतू का मैच था, मैंने प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। सो ये मैच कैंसिल हो गया तो मेरे को दिक्कत नहीं है, रॉस मतलब स्मैकडाउन वगैरह में करवा दो इस मैच को तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ जो सुपरस्टार्स है इस मैच के अंदर, ऑफकोर्स यार रेसलमेनिया में सबको ही परफॉर्म करना चाहता है, तो इनके लिए बिल्कुल आप कह सकते हो कि डिसअपॉइंटमेंट चीज थी है। चलते अपनी अगली अपडेट कर, और अगली जो अपडेट है गाइस वो है शार्लेट फ्लेयर और रोंडा रोजी के मैच से, जहां पर आपने एक सेगमेंट देखा होगा जहां पर WWE ने जो स्क्रीन थी उसको ब्लैक कर दिया था, और आप में से काफी लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा कि WWE ने स्क्रीन को ब्लैक क्यों किया था उस वक्त, और उसके पीछे रीजन था गाइस की जो शार्लेट फ्लेयर की ड्रेस थी वो मतलब इधर उधर हो गई थी, तो काफी कुछ दिख गया था उसमें, और मैं इनफैक्ट आपको फोटो थोड़ा सा ब्लर करके दिखा दूंगा। सो गाइस ये सीन था वहां पर, और इसीलिए आपने देखा होगा उस वक्त WWE ने स्क्रीन को ब्लैक कर दिया था। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शार्लेट फ्लेयर के साथ ये एक या दो बार नहीं हुआ, ये काफी बार हो चुका है। सो पता नहीं अब मतलब क्या ही बोले, खैर ज्यादा बोलना बेकार है इस बारे में। सो ठीक है अब ये चीज हुई है और इसीलिए WWE ने इसको स्क्रीन ब्लैक वहां पर कर दिया था, बट स्टिल तुम्हें बताया फोटोज वगैरह लीक हो जाती है अगर लाइव इतने सारे लोग बैठे हुए हैं 70-75 हज़ार, तो फिर ऑफकोर्स ऐसा कुछ बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये कुछ सीन था जो कि ऑफकोर्स एक फीमेल के लिए बहुत ज्यादा बेकार चीज है, बट आई थिंक अब हैबिट होगी होगी शार्लेट फ्लेयर को इस चीज की, बिकॉज ये कई बार हो चुका है। चलते अपनी अगली अपडेट पर, और एक और अनफॉर्चुनेट चीज हुई है रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 के अंदर, और वो है एक इंजरी। अब आपने नाइट का पहला मैच देखा होगा, रिक बुक्स और नाकामुरा फेस करते हैं उसोस की टीम को स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच के दौरान गाइस रिक बुक्स को हो चुकी है एक्चुअली में इंजरी। अब आपने एक सीन देखा होगा जहां पर दोनों ही उसोस के बंदे उनके कंधों के ऊपर है, और इस वक्त उनकी ऑफकोर्स इंजरी हो जाती है, जो कि आपने मैच के दौरान भी देखा होगा, और ये सीरियस वाली इंजरी थी। उसके बाद वो रिंग के बाहर चले जाते हैं जहां पर उनके जो ट्रेनर वगैरह थे वो उनको चेकआउट करते हैं उनकी इंजरी को, और उसके बाद उनको मैच खत्म होने के बाद वहां से ले जाया भी जाता है। तो अभी उनकी गाइस एक सर्जरी होने वाली है जो कि कुछ ही दिन में होगी, और उसके बाद पता चलेगा कि कितने लंबे समय तक वो आउट रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट आई थिंक ये ठीक ठाक सर्जरी मतलब ठीक ठाक इंजरी है, सो आई गेस थोड़ा समय लगेगा उनको रिकवर होकर वापस रिंग के अंदर आने में। चलते अपनी अगली अपडेट पर। अब गाइस रेसलमेनिया 38 अभी तक खत्म नहीं हुई है, पर गाइस रेसलमेनिया 39 की अनाउंसमेंट WWE ने ऑलरेडी कर दी है, जैसा कि आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो। रेसलमेनिया जो अगले साल होने वाली है, दैट मींस रेसलमेनिया 39 होने वाली है गाइस अगेन दो नाइट की, April 1st और April 2 को ये होने वाली है, और ये होने वाली है सोफी स्टेडियम में जो कि कैलिफोर्निया के अंदर है। सो ये इवेंट है, और WWE ने भाई टिकट्स वगैरह भी अलाउ कर दिए हैं इसके, तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए टिकट्स खुले रहेंगे, तो जिसको अपनी सिक्योर करनी है सीट वो कर सकता है, ऐसा WWE का कहना है भाई। सो ठीक है जो भी है, WWE प्रमोशन पहले ही शुरू कर देती है रेसलमेनिया का, और ये हॉलीवुड थीम होने वाली है, सो पॉसिबली आपको हॉलीवुड के स्टार्स भी देखने को मिल सकते हैं अगले रेसलमेनिया में, खैर वो बहुत बात की बात है। चलते अपनी अगली अपडेट पर, और अगली जो अपडेट है गाइस ये कोडी रोड्स को लेकर है। आप सबसे बड़ी जो न्यूज थी 38 रेसलमेनिया के नाइट 1 की वो थी ऑफ कोर्स कोडी रोड्स की रिटर्न। तो कोडी रोड्स ने गाइस बताया कि उन्होंने क्या बात करी विंस मैकमैन से इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने से पहले, या फिर जब इनकी बात चल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने गाइस जो मेन बात थी मतलब वो ये बोली कि वो मानते अपने आप को बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड, और ये वो समय है कि वो इस चीज को प्रूव करें, और ये बहुत बड़ी चीज है पर्सनली मेरे लिए, मतलब मजा आ गया ये बात सुनकर। सो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
कोडी रोड्स अपने आप को कितना हाईली रेट करते हैं और वो क्या करने वाले हैं अब आगे WWE के अंदर। होपफुली WWE उनको अब जो है वो अच्छे तरीके से बुक करेगी, लग भी ऐसा ही रहा है कि करेगी। सो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना उनको कि किस तरीके से उनको बुक करती है। अगली अपडेट भी कोडी रोड्स को लेकर है। अब अगर किसी को नहीं पता है कि कोडी रोड्स कौन सी ब्रांड के अंदर जाने वाले हैं, वैसे ये पहले ही पता चल गया था बट अब ये कंफर्म भी हो चुका है कि कोडी रोड्स रॉ के अंदर आने वाले हैं। दैट मींस रॉ रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेंगे और आगे भी वो रॉ ही ब्रांड के अंदर करने वाले हैं कंटिन्यू। पहले तो कोडी रोड्स का रॉ पे अपना एक प्रोमो सेक्शन होगा जहां पर वो बताएंगे रीजन अपना वापस आने का या जो भी चीजें वो बताएंगे इस प्रोमो सेक्शन के अंदर। और पॉसिबली एक रूमर्स ये भी आ रही है कि शायद WWE एक नए टाइटल को जो है वो मंडे नाइट रॉ के अंदर रिवील करने वाले हैं, एक नया टाइटल आने वाला है पॉसिबली। अगर ऐसा होता है तो भाई कोडी रोड्स वो सुपरस्टार होंगे जो कि उस टाइटल की मिक्स के लिए सबसे पहले एंटर होंगे, मतलब उस टाइटल के लिए जो भी फ्यूड वगैरह होगी कोडी रोड्स उसके अंदर इन होने वाले हैं। अब वो जीतते हैं नहीं जीतते हैं वो बात की बात है बट वो उस टाइटल के लिए बिल्कुल होंगे। अब लेट्स सी क्या ये चीज होती है क्या नहीं होती है, बिकॉज तब तक आपको नाइट 2 भी देखने को मिल जाएगी और जो डबल चैंपियन है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो पॉसिबली WWE इसको रॉ में कर सकती है या फिर आगे चलकर करेगी बट ये चीज होने वाली और कोडी रोड्स आप पहला नाम उस फ्यूड के अंदर जो भी टाइटल के लिए होने वाली है उसके अंदर आप लॉक समझ सकते हो। अब एक और चीज जो कोडी रोड्स ने बोली, अब तुम लोग बोले कि भाई कोडी रोड्स कितना बोल रहा है, तो भाई उसका दिन है यार बंदे का, तो वो बोल ही रहा है बहुत कुछ। तो कोडी रोड्स से यहाँ पर ऑफकोर्स उनके वापस आने के बारे में भी पूछा जाता है, तो उनका सिंपली ये कहना था कि भाई 6-7 साल पहले उन्होंने लास्ट टाइम कम्पीट किया था रेसलमेनिया के अंदर एज स्टारडस्ट और उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने काफी कुछ किया, उनको लगा कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है जो वो कर सकते थे या काफी कुछ उन्होंने ट्राई किया करने का और काफी अच्छे लोग उन्हें मिले। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी कि उनसे जब ये पूछा जाता है कि क्या वो ये करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला भाई कि ये उनकी इजीएस्ट डिसीजन थी, मतलब बहुत ज्यादा इजी था उनके लिए पिक करना कि वो WWE के अंदर जाना चाहते हैं। तो हम जो स्पेकुलेट कर रहे थे ना कि कोडी रोड्स क्या साइन करेंगे नहीं करेंगे ये वो सो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट उनके लिए ये डिसीजन वन ऑफ द इजीएस्ट, या वैसे तो उन्होंने इजीएस्ट ही कह दिया है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इजी था उनके लिए ये चीज चूज करना। अब न्यूज एंड अपडेट्स तो यहां तक थी, अब हम आगे बात करते हैं आज रेसलमेनिया 38 नाइट 1 की कुछ हाइलाइट्स के बारे में, जो कि पर्सनल मेरे रिव्यू कह सकते हो आप रेसलमेनिया नाइट 1 का या ओपिनियंस कह सकते हो। तो कमाल की चीज हुई है नाइट 1 के अंदर, पहले तो शार्लेट फ्लेयर ने रोंडा रोजी को हरा दिया, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग या शॉकिंग रिजल्ट था, जो कि मैंने प्रेडिक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था कि WWE शार्लेट को भी जिता सकती है, तो वैसा ही यहां पर हो गया, शार्लेट जीत गई और ये फ्यूड आगे कंटिन्यू होने वाली ऑब्वियस सी बात है। अब मिज ने भाई बेबी फेस पॉसिबली टर्न कर लिया, पॉसिबली इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये कंफर्म नहीं है, लोगन पॉल के ऊपर उन्होंने अटैक करा, तो यहां पर अगर वो बेबी फेस टर्न कर रहे हैं तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बिकॉज मैं ये बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि मिज को मेरे को बेबी फेस में देखना है और मिज बेबी फेस में बहुत ज्यादा मजा आएगा उनको देखने में, और वो भी लोगन पॉल के अगेंस्ट जिनको भाई पिटते हुए लोगों को मजा आता है देखने में, और मिज को लोग वैसे भी पसंद करते हैं, वो तो हील प्ले करते हैं तो इसलिए बू वगैरह उनको मिलते हैं, बट वैसे उनको लोग काफी पसंद करते हैं, तो मजा आएगा अगर ये फ्यूड WWE कंटिन्यू करती है आगे और स्पेशली मिज अगर बेबी फेस में जाते हैं तो इंटरेस्टिंग ये चीज होगी देखने में। इसके अलावा कोडी रोड्स की रिटर्न एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने तुमको बताया था प्रिडिक्शन वाली वीडियो में कि शेन मैकमैन वाली जो WWE डाल रही है रूमर्स कि शेन मैकमैन होंगे सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट, वो सिर्फ WWE जानबूझकर डाल रही थी और वो प्रूव भी हो गया आज। बाकी क्या मैच था भाई ये, मतलब भाई मजा आ गया इस मैच को देखने में, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बेटर ये मैच था, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ये इतना अच्छा मैच होगा, बट ये एक्चुअली में नाइट का वन ऑफ द बेस्ट मैच आप कह सकते हो, काफी लोग इसको बेस्ट भी बोल सकते हैं, काफी लोग बैकी और बियांका ब्लेयर वाले मैच को बेस्ट बोलेंगे, पर ये दो मैच काफी कमाल के थे, कोडी रोड्स रॉ के अंदर देखने को मिलेंगे, सो इंटरेस्टिंग रहेगा उनको देखना, बट मैच से मैं बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को, सेथ रॉलिंस एक बार फिर इंप्रेस करता है बंदा ये हर बार और आज भी तुमने देखा बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। बैकी लेंस ऑफकोर्स सेथ रॉलिंस और बैकी लेंस दोनों ही हार गए हैं, दोनों ही हस्बैंड वाइफ, बट दोनों ने भाई बता दिया कि क्यों ये इस WWE के अंदर होना डिजर्व करते हैं और क्यों ये इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, क्योंकि इतने कमाल के मैचेस रेगुलर देते हैं। सो बैकी लेंस और बियांका ब्लेयर अगेन एक कमाल का मैच था ये, बियांका ब्लेयर अगेन भाई बैक टू बैक दो साल उन्होंने नाइट के बेस्ट मैचेस दिए, लास्ट ईयर भी उनका जो मैच था साशा बैंक के साथ वो उस नाइट का बेस्ट मैच था और यहाँ भी आप कह सकते हो कि ये नाइट का बेस्ट मैच था, तो बियांका ब्लेयर अगेन प्रूविंग कि भाई वो क्यों WWE की EST है। इसके अलावा स्टोन कोल्ड केविन ओवेंस, मतलब केविन ओवेंस यार भाई तू ये मेरा फेवरेट है ना, आज तुमने देख लिया होगा, मतलब जो बंदे से बोलोगे करने के लिए वो डिलीवर करके देगा 100% बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमको देखना है, मतलब परफेक्ट यार, और अब मैं चाहूंगा कि भाई WWE इसको पुश दे दे बिकॉज काफी टाइम से डिजर्व करता है बंदा। सो होपफुली WWE केविन ओवेंस के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा पुश दे, टाइटल्स वगैरह दे, मेन टाइटल्स वगैरह दे, तो मजा आएगा बिकॉज बंदा डिजर्व करता है, आज बंदे ने दिल जीत लिया एक बार फिर से, और स्टोन कोल्ड मतलब अगेन प्रूविंग कि भाई क्यों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इज एक्चुअली द बिगेस्ट SOB इन द वर्ल्ड, आज प्रूव एक बार फिर से कर दिया। मैच से भाई जो उम्मीद थी मेरी, मैं सोच रहा था शायद 1-1.5 मिनट का मैच होगा, मैच तो होगा ये मैंने तुम्हें प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक चैलेंज करेगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ, चैलेंज हुआ, एक्सेप्ट हुआ जो मैंने बताया था प्रिडिक्शन वाली वीडियो में, पर मैच ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैच में एक्सपेक्ट करा था 1-1.5 मिनट का होगा या 2 मिनट का ज्यादा से ज्यादा, पर ये लंबा मैच हो गया। WWE ने नो होल्ड्स बार्ड वाली स्टिपुलेशन
डालकर अच्छा कर दिया इस मैच को, क्योंकि अगर नॉर्मल मैच होता तो ज्यादा रेसलिंग करनी पड़ती जो कि स्टोन कोल्ड के लिए डिफिकल्ट काम होता। तो नो होल्ड्स बार्ड में क्योंकि इधर उधर ले गए तो उससे टाइम थोड़ा लंबा हो गया और कुछ अच्छे एलिमेंट्स भी डाल दिए और कुछ अच्छी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी कि भाई स्टोन कोल्ड से वो बियर वियर पिलवाते रहे, मतलब स्टोन कोल्ड बीच बीच में बियर पीते रहे, तो उसकी वजह से उनका जो गिमिक कितने सालों से वो प्ले करता है वो उन्होंने अपना पर्सोना वहां पर दिखाया जिसने मैच को इंटरेस्टिंग करा। और वो वाला सेगमेंट भी काफी कमाल का था जब केविन ओवेंस स्टोन कोल्ड वाली गाड़ी लेकर भाग रहे होते हैं, उनसे चलती नहीं है, फिर पीछे से स्टोन कोल्ड आते हैं वो उनको आगे बिठाकर आगे लेकर जाते हैं, वो काफी अच्छा सीन था मतलब पूरे मैच के अंदर। और इस तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो इस मैच के अंदर डाले उसने इस मैच को बहुत ज्यादा एपिक बनाया। तो ये भी नाइट का वन ऑफ द बेस्ट मैच था जो कि एक्सपेक्ट हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, और जो कुछ भी चाहिए था स्टोन कोल्ड से आई थिंक उन्होंने बिल्कुल वैसा डिलीवर किया है। जो नाम है बंदे का, जो मतलब उस बंदे ने इतने सालों से जो भी कमाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो भी कुछ किया है, आई थिंक आज अपनी परफॉर्मेंस से सब कुछ प्रूव कर दिया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने कि क्यों विंस मैकमैन एंड पूरी दुनिया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिगेस्ट ड्रॉ एवर मानते हैं। बाकी गाइस यही सब था आज की वीडियो के अंदर, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके नीचे अपने थॉट्स बता सकते हो जिस भी बारे में बताने आपको नाइट वगैरह के। और हाँ, एक नीचे कमेंट करके बताओ कि कोडी रोड्स की रिटर्न में जो रिस्पांस तुम्हें ऑडियंस की तरफ से मिला क्या वो तुमको सही लगा, मतलब तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि वो कम है रिस्पांस, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मैं अभी दोबारा से देखूंगा ऐसे मैंने तो मेरे को पता चलेगा, बट जब मैं लाइव देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्राउड का रिएक्शन बहुत कम है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफी कम, इनफैक्ट स्टोन कोल्ड को उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्स मिला मेरे को ऐसा लगा। हो सकता है शायद मेरी साइड से इशू आ रहा हो, बट वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या तुमको भी वैसा फील हुआ या वो मेरी एंड से कुछ इशू था जो भी था। बाकी इसके अलावा भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहां पर जाकर आप टर्न लगाकर बड़ी स्वामी का पार्ट बन सकते हो। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फायरिंग।